गणपति बाप्पा मोरिया पूरा मराठी रागे लाला। अरे उन लोगों का चिंता नहीं है रे हमको, उन लोगों को तो हम यूं चकमा दे के यहां से निकल जाए। हमको चिंता है तो एक तो आदमी की, मानव देशमुख की। ससुराम ना जात है वहीं धमकता है, जरूर ही कोई पिछले जन्म का रिश्ता हो ई के साथ। यादव कृष्णा हमरी एक तो बात ध्यान से सुनो, हमका पहले वो हार को चुराना है, उसके बाद वो कहीं यहाँ से लेके जाना है, समझे? हम एक तो सुरक्षित जगह देख के आवत है, तब तक तुम दोनों उधर होगा लोगों पे नजर रखना, ठीक है? कौन रास्ता खुला है कौन रास्ता बंद, अगर ये एक तो बार हमको पता चल जाए ना तो ये हमारा जो प्लान है उतने कटा हो जाए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ चला गया, इतनी तो अनिकेत सारी तैयारियां हो गई ना? हम सारी तैयारियां तो हो गई लेकिन मेरा कान नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ गया। कान? नहीं नहीं वो एक्चुअली मेरे कॉस्ट्यूम का एक पार्ट नहीं मिल रहा तो मैं वो ढूंढ रहा हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा जी, ऑल द बेस्ट, स्टेज पर धूम मचा देना जी। थैंक यू। ये तो दम मानव देशमुख यहाँ भी भाग ले भसने लाला, अगर इन्हें तोरे को फिर से देख लिया ना तो तेरा प्लान चौपा। अरे रुको, तुमसे कह रहा हूं घूमना जरा। अच्छा गेट, ऑल द बेस्ट, अच्छा परफॉर्मेंस देना। का मूर्ख है, बेपहचाना ही नहीं हमको, लेकिन कैसा नातना, जहां जाते वहां आ जा। वो तो अच्छा ही राक्षस रूप ने हमको बचा लिया, वरना तो गए थे हम। वेलकम लेडीज एंड जेंटलमैन, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। वाह, गणपति बप्पा का नाम लेने में जितना मजा है बिल्कुल उतना ही मजा इस इवेंट को होस्ट करने में आ रहा है। I'm so lucky and I'm so happy. You know what? इस इवेंट में बहुत सारे स्पेशल एक्ट हैं, जिसकी शुरुआत अगले एक्ट से होने वाली है। आजी आजी, गणपति पापा कितने सुंदर है ना? हाँ, सुंदर तो है लेकिन वो अलग भी है। अलग मतलब? मतलब सिर हाथी का और शरीर इंसान का, ऐसा क्यों आजी? क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? बिल्कुल है, तो बताओ ना आजी। अच्छा तो सुनो, पर पहले ये बताओ कि गणपति के पिता कौन है? महादेव। बिल्कुल सही, और उनकी माता? पार्वती मैया। बिल्कुल सही, तो अब ये जो कहानी है ना इन्हीं दोनों से शुरू होती है। एक दिन देवी पार्वती स्नान करने जा रही थी, अपने शरीर से निकले हुए मैल से उन्होंने छोटे बच्चे की एक मूर्ति बनाई और उस मूर्ति में अपने मंत्रों की ताकत से उन्होंने जान फूंक दी। देखते ही देखते वो मूर्ति एक छोटे बालक में परिवर्तित हो गई और यही बालक हमारे गणपति बप्पा हैं। देवी पार्वती ने अपने स्नान कक्ष के बाहर पहरा देने की जिम्मेदारी उस छोटे बालक पर सौंपी। बालक बड़ा आज्ञाकारी था,
वो स्नान कक्ष के बाहर डट कर खड़ा रहा और तभी वहां महादेव आ गए। अब महादेव तो ये नहीं जानते थे कि वो बालक माता पार्वती का ही बेटा है और ना ही वो बालक ये जानता था कि महादेव उसके पिता हैं। जैसे ही महादेव माता पार्वती के स्नान कक्ष की तरफ जाने लगे, छोटे बालक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। ये देखकर महादेव क्रोधित हो गए। दोनों में युद्ध हुआ और अंत में महादेव ने अपने अस्त्र से उस बालक का सर धड़ से अलग कर दिया। कुछ ही देर बाद माता पार्वती बाहर आई। अपने पुत्र की ये हालत देखकर वो भाव विफल हो गई। उनकी आंखों से क्रोधाग्नि फूटने लगी। पुत्र शोक से व्याकुल, आंसुओं से घिरी पार्वती मैया ने कहा, ये बालक मेरा पुत्र है, आप इसकी जिंदगी लौटा दीजिए। और फिर महादेव ने अपने गणों को बुलाया, उनसे कहा, जाओ यहाँ से उत्तर दिशा की ओर और रास्ते में जो पहला सजीव दिखाई दे उसका सर काट कर ले आओ। सभी गण उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। कुछ दूरी पर उन्हें एक हाथी दिखाई दिया और वो हाथी का सर काट कर उसे महादेव के पास ले आए। महादेव ने हाथी के उस सर को बालक के शरीर से जोड़ दिया और अपनी दिव्य शक्ति से उसे जीवन दान दे दिया। जो गण हाथी का सर उठाकर लाए थे, महादेव ने इस बालक को उन गणों का प्रमुख बना दिया और तभी से ये बालक गणपति के नाम से जाना जाने लगा। गणपति बप्पा 14 विद्या और 64 कलाओं के अधिपति हैं और इसीलिए आज भी हर पूजा के आरंभ में सबसे पहले उन्हीं का स्मरण किया जाता है।
राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो शेरों का मैं हूँ शेर यारो अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो शेरों का मैं हूँ शेर यारो अरे कोई ना मुझसा दलेर प्यारो के सच सच कहता हूँ मैं डट के रहता हूँ मैं आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो अरे लाड़ी कौन है राजा हो राजा बलवान कौन है राजा क्यों छुप के निशाना करोगा है के धोखे में राजा तो ना आए आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो झुमलो अरे आया है राजा लोगो रे लोगो राजा के संग संग झुमलो पता चला ये आ बेटा फूड बैग हम है लाला अरे लाला ये सब कहाँ है अरे ससुरा मानव देश मिल गया हमको स्टेज के पीछे तो ही बेस में आ गए वैसे एक तो बात बताए है बड़ी कंटाप चीज जब तुम लोग हमको नहीं पहचान पाए तो मानव देश में कहाँ पहचाने लेकिन लाला हम जैसन को भी बेसाखियों की कोई जरूरत है का बहुत ही फेमस हो गए बे आजकल हम लोग तो ये सब करना पड़ता है अच्छा वो छोड़िए क्या पता किया पांच लोग स्टेज के पीछे जो सिर्फ हार की रखवाली करते हैं कमेटी ने उन लोग को सिर्फ खास काम के लिए रखा है उस हार की रखवाली करने के लिए बाकी इंतजाम है तो अलग लाला मुझे तो हार चुराना बहुत ही मुश्किल अब हमको पता है सबसे पहले किसको रास्ते से हटा आ गए आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों को यहाँ देखकर आपने इतने प्यार से बुलाया था तो कैसे नहीं आते अच्छा तुम लोग ये बताओ कि तुम्हें यहाँ का अरेंजमेंट कैसे लगा सुपर अब तो हमारा भी मन कर रहा है कि पप्पा की सेवा में कुछ करें यू आर मोस्ट वेलकम अर्चना इतना अच्छा लगता है तो लोगों को प्यार में देखकर हाँ प्यार वाकई में लोगों की दुनिया बदल देता है
आसानिया आसानिया तुम्हें देखता हूँ तो सोचता हूँ बस यही तुम जो मेरा साथ दो सारे गम भुला के झिलो मुस्कुरा के जिंदगी तू दे दे मेरा साथ थाम ले हाथ चाहे जो भी होगा तू बस दे दे रहना तू पास हर घड़ी तू दे दे मेरा साथ थाम ले हाथ चाहे जो भी हो बात तू बस दे दे मेरा साथ तू बस दे दे मेरा साथ ससुरा अर्जुन कैसा नातनी है ये साला प्यार उगमनिया पूर्वी से करता है पर शादी ओपी से कर बैठ क्या बताएं लोग बड़े और लक्षण इनसे अच्छे तो इंसान हम कम से कम हमका हमरी मंजिल तो मालूम है जाएगी ना घर से ना वो थाल भी लेकर आना जो मैंने विसर्जन के लिए सजा के रखी थी ना हाँ और उसका ख्याल रखना प्लीज फिर भी मुझे पता है तेरे साथ जो कुछ भी हुआ उसे एक्सेप्ट कर पाना बहुत डिफिकल्ट है बहुत मुश्किल है तू बहुत दुखी लेकिन तुझे इस दुख से बाहर आना होगा मैं देख रही हूँ कि तू कोशिश कर रही है स्ट्रॉन्ग बनने की लेकिन तुझे अपनी कोशिश को बढ़ाना होगा यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग अच्छा सुन अब हमें घर जाना है वो क्या है ना कि आई ने बोला है कि हमें कुछ पूजा का सामान लेके आना है चले चल ना क्या सोच रही है चल जल्दी 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 और बता यादव क्या चल रहा है वहां यहाँ बहुत ही भीड़ है सरकार थोड़ा बहुत पुलिस प्रोटेक्शन भी है लेकिन आप फिक्र मत कीजिए हम हार पर अच्छे से नजरें लगाए हुए हैं और एक बात बोली सरकार हार तो बहुत ही बड़ा है एक बार चोरी कर लिया ना तो कई सालों तक चोरी करने की कोनो जरूरत ही नहीं है ये हुई ना बात देखिए हौसला जो है ना आगे भी ऐसे बढ़ाए रखे ठीक है लगा वो सरकार मूर्ति के आसपास ही कहीं खड़ा है अपनी मंजिल पर आंखें गड़ाई बैठा है
विसर्जन के वक्त जैसे ही मूर्ति से हार निकाला जाएगा, इससे पहले कि हंडी में हार डाला जाए, लाला ऊपर हाथ साफ कर देगा। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बेटा, बिल्कुल सही जा रहे हो, लेकिन बहुत सावधानी। आप फिक्र काहे कर रहे सरकार, इससे पहले भी तो हम लोगों ने ऐसे कई चोरियां की है, ये भी कर लेंगे। अरे कोई छोटी मोटी चोरी ना है, 55 लाख का हार चुराना है हमका। उस मानव देशमुख ने हमारे लिए लॉटरी निकाली है और ये लॉटरी को हमको लूटना है। लूट लेंगे सरकार, लूट लेंगे, आप फिक्र मत करिए। हाँ वो तो है, जब तक लाला हुआ है हमको कोनो बात की फिक्र ना है। अच्छा तुम लोग अपना काम ठीक से करो, और सुनो वहाँ की छोटी छोटी बात की खबर देते रहना, समझा का? जरूर सरकार जरूर। ठीक है चलो। ये ससुर लोग का कोई वो मार बटुआ कहाँ है? अरे कैसा आदमी हो तुम, शर्म नाम की चीज है कि नहीं? हमरे लाला को गणपति बाप्पा का हार चुराने भेज रहे हो, काहे इतना बड़ा पाप करवा रहे हो? काहे को बकबक कर रही है तू? हाँ काहे को बकवास कर रही है, मुंह खोला कि नहीं? बस टर 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 टर। ये देख चोरी हमारा काम है, उससे हमको पैसा मिलता है, उस पैसे से घर चलता है। तू जो यासो आराम की जिंदगी जी रही है ना, उसी पैसे के बल पे जी रही है। कहा है कि वो ऐसा आराम हमको बढ़ाना है, इसीलिए हम ज्यादा पैसा कमा रहे। तो उसका वास्ते हमरे लाला की जिंदगी खतरे में डालोगे तुम? तुम अच्छी तरह जानत हो लाला जमानत पर छूटा है, अब की बार पकड़ा गया ना तो जाने कितने साल के लिए अंदर चला जाएगा। अरे का, कोहे को उल्टा सोचती है? हाँ काहे को उल्टा सोचती है? इस बार पुलिस लाला को नहीं पकड़ पाएगी, लाला पे पूरा भरोसा है। मानव देशमुख के परिवार के साथ साथ पुलिस को भी चकमा देगा और उस हार को चुरा ले। और देख जुमरी, बात सिर्फ पैसे की ना, अब लाला को अपने आप को हमारे सामने साबित करना है, और इस बात को साबित करके देख ले, इस बार लाला हमारे लिए बहुत बड़ा हाथ मारने वाला है, बहुत बड़ा। तो अपना काम कर, चल टेंशन मत ले। हाँ भाई बोल। बिस्नु, बिस्नु कहाँ है तू? अरे माई अभी तेने थोड़ा काम में बिजी है, बाद में फ्री होके बतियाएंगे। तुम्हार काम हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। बिस्नु अब हम कैसे समझाए? ये सारा काम तुम्हार वास्ते नहीं है बिस्नु, तू छोड़ का है नहीं देता ये सब कुछ। हाँ फिक्र करती हूँ मैं, इस बार कोनो गलती नहीं होने देंगे। लेकिन बिस्नु तू माई दो बार बाबा का दिया काम पूरा नहीं कर पाए हम, अब शर्म आती हमको अपने आप पे, नजर नहीं मिला सकते हम उसे। हमारा मन शांत नहीं है, इतनी मुश्किल से हमको मौका मिला है दोबारा बाबा के सामने उठने का, वो करने देना हमको। बिस्नु मेरी बात समझ, देख बिस्नु तू जमानत पर छूटा है, अगर अब की बार पुलिस ने तुझे कोई गलत काम करते हुए पकड़ लिया ना तो न जाने तू। बिस्नु बिस्नु हेलो बापा, बापा मेरा सोहम आपका हार चुराने वहां आया है, और मैं आप ही से उसकी रक्षा करने की प्रार्थना कर रही हूँ। बापा मैं खुद उसे रोकने वहां आ रही हूँ, बस आप उसे बचा लेना। पूजा के लिए लेट हो रहे हैं, थाल यहाँ रखा हुआ है और थाल खाली है। पूर्वी मुझे नहीं पता कि इस थाली में क्या क्या सामान रखते हैं पूजा के लिए। एक काम कर, वो थाली इस पे रख। ये वाली? नहीं नहीं वो वाली। और क्या रखते? अब ये सामान ले क्या? ये ले। मुझे थोड़े से फूल दे दो। फूल 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 ये रहे। चलेंगे? हाँ। तो एक काम कर, नारियल और मिठाई लेके। अच्छा ठीक, थोड़े से चावल भी लेके आना। ठीक है? अच्छा ठीक है ठीक। हाँ
ये औरत कौन है? इसकी शक्ल तो हूबहू वर्षा मौसी जैसी लग रही है। थैंक गॉड पूर्वी, तूने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मुझे तो इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था। चल ना, लेट हो रहे। तुझे पता है मैंने इस गणेश उत्सव के लिए ना बहुत सारे गाने भी डाउनलोड किए हैं, बहुत मजा आने वाला है आई एम श्योर, और मैं सारे गाने लेकर के भी जाने वाली हूँ अपने साथ। एल्बम में देखा हुआ आप वर्षा मौसी का चेहरा और उस औरत का चेहरा बिल्कुल एक जैसा है, तो फिर लेकिन आज ही तो कह रही थी कि वर्षा मौसी, तो फिर ये औरत कौन है? पूर्वी क्या सोच रही है वहां खड़े होके, चल ना जल्दी जल्दी चल। पता नहीं क्या सोचने लगती है। आइए बप्पा के दरबार में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? बस बप्पा की कृपा है। अर्चना ये फंक्शन तो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है तुमने और मानव ने। बस हमने कुछ नहीं किया, हमने तो गणपति बप्पा की सेवा की। अब आप दोनों आए हैं, आज आप परफॉर्म करने वाले ना, तो क्या परफॉर्म करने वाले? वो तो सरप्राइज है अर्चना। एक हिंट दे देते हैं, आज हम हमारे देश का पारंपरिक नृत्य पेश करने वाले। तो फिर हम इंतजार किस बात का करें, चलिए।
जिया जले जा चले, जिया जले जा चले, नैनु तले धुआं चले धुआं चले। पुंजिरी दंजी कुंजी क्यो, मुंदिरी मुत्तोले जिंदी क्यो, मंजनी वर्ण चुंदरी वावे, तंगन नक्क तगदी मियाडुं तंगनी लावे। पुंजिरी दंजी कुंजी क्यो, मुंदिरी मुत्तोले जिंदी क्यो, मंजनी वर्ण चुंदरी वावे, तंगन नक्क तगदी मियाडुं तंगनी लावे। चले जा चले नैनु तले धुआं चले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना जानू ना जानू ना सकेरी जिया चले जा चले नैनो तले धुआं चले धुआं चले रात भर धुआं चले जानू ना जानू तक हार बापा के गले में है। इसका मतलब लाला अभी उस तक पहुंच नहीं पाया। पापा का लाख लाख शुक्र। अब इससे पहले कि लाला ये हार चोरी करे, मैं उसे रोकती हूँ। लेकिन लाला है कहाँ? और इतनी भीड़ में मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? उसने तो अपना फोन भी स्विच ऑफ करके रखा है। दोस्तों, अब आपके सामने आने वाले हैं हमारे सबसे रोमांटिक कपल, मानव एंड अर्चना देशमुख। आसमान में जैसे सितारे नहीं जा रहे, क्या ओवी आई और बाबा साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना? हाँ, कर रहे हैं। All thanks to you. तुझे पता मैंने इन्हें कन्विंस किया था और इनकी ड्रेसेस भी मैंने ही डिजाइन किए। अच्छी है ना? बहुत अच्छा। तो नहीं, मैं थोड़े से और पिक्चर्स क्लिक कर जाती हूँ। वो मैं कैसे बताऊं? वो कितनी खुश लग रही है। एक काम करती हूँ,
डांस खत्म होने के बाद ही बताती हूँ। इतना करो ना मुझे प्यार। आपके सामने तांडव नृत्य प्रस्तुत करने वाले हैं गौरव और अर्जुन। मैंने इस औरत को कहीं देखा है? नहीं, ये औरत वर्षा मौसी कैसे हो सकती है? वो तो 18 साल पहले, फिर ये औरत। आज ये फोटोज में ये औरत कौन है? मैं नहीं जानती, ये सब पुराना सामान है। आज ये वर्षा मौसी है ना? हाँ। ऐसे क्यों देख रही थी वो मुझे? कहीं पूर्वी ने मुझे पहचान तो नहीं लिया? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं यहाँ थी, पूर्वी अर्जुदाय की जिंदगी में आई भी नहीं थी। लेकिन अगर ताई ने उसे मेरी फोटो दिखाई हो तो उसका रिएक्ट करना मुझे बहुत अजीब लगा। मुझे संभल कर रहना होगा। दोस्तों, अब हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं पैन इंडिया एक्ट।
बवाल बांध दिया। अरे भाई तुम अभी तक यहीं पर हो, चलो चलो। अरे भाई चलो, वहां पर अनाउंसमेंट हो रही है। अरे तना, अनुप देशमुख के परिवार से बचने के लिए एपीएस बदले थे और ये बेचने हमका फांस दिया। अब तो इस ससुर को भी नहीं बता सकते कि हम इसके टोली के नहीं हैं। अरे तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, चलो यार। अरे कहाँ? अरे चलो। तनी नाची के तनी गाई के तनी के। ए चला चला चला, काय चालू रे इकडे, कसली बुमाऊम चालू आहे रात्रीची? चला चला निघा निघा। ना, ये जरूर वही औरत है जो जो अर्जुन और रूबी के रिसेप्शन में आई थी, और अब वो यहाँ भी आई है। और ये लगती भी वर्षा मौसी जैसी। अगर ये वही है तो क्या ऐसा हो सकता है? लगता है पूर्वी ने मुझे पहचान लिया है। तभी तो जब से मैं यहाँ आई हूँ वो लगातार मेरा पीछा कर रही है। अब मैं
अब मुझे कोई नहीं पहचान पाएगा। नहीं, ये वर्षा मौसी कैसे हो सकती है? आई और राजी ने मुझे बताया था कि 18 साल पहले उनकी छोटी सी गिरकर मौत हो गई थी। फिर वो आज यहाँ कैसे हो सकती है? और फिर ये औरत तो देहाती कपड़ों में है, किसी गांव से आई लगती है। लेकिन अगर ये कोई और है तो ये मुझसे दूर क्यों भाग रही है? एक मिनट, जरा सुनिए। आजी, हाँ आ रही हूँ। आजी आजी, वो यहाँ क्या कर रही है? क्या वहां मुड़ मुड़ के देख रही है बार बार? चल ना। अगर वाकई में पूर्वी को मुझ पर शक हो गया तो वो ये बात अर्जुताई को जरूर बताएगी और फिर ताई इसकी तह तक पहुंचने की कोशिश करेगी। फिर उसे सोहम की सच्चाई भी नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। मुझे यहाँ से जाना होगा। लेकिन लाला को लिए बगैर मैं क्या करूँ? पापा, आप ही मुझे रास्ता दिखाइए। गणपति बप्पा हम सब के हैं, उनकी नजर हम सब पर एक जैसी है। अब हम चाहे अमीर हो या गरीब, वो बस हमें खुश देखना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जनरेशन टू जनरेशन मनोरंजन की परिभाषा हमेशा बदलती रही है। हम चाहते हैं कि इस नए जनरेशन के नए डांस को जितना हम इंजॉय करें, उतना ही हमारे गणपति बप्पा भी इंजॉय। सिंहम सज्जन तारक विभुनर सिंहम दुष्ट सुदान दुर्धर सिंहम सान दुरंधर जय नर सिंहम। एंडर बंडे एंगे बा, क्या बोला अन्ना? ये रो कौन है रे, इधर देख। चिंता ता चिता चिता चिंता ता ता चिंता ता चिता चिता चिंता ता Follow me.
आप सब से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप सब लोग हमारे साथ गणपति बप्पा के विसर्जन में शामिल। थैंक यू। गणपति बप्पा हो या गणपति बप्पा हो या। अब शुरू होगी विसर्जन यात्रा और साथ ही साथ हमारा काम। मैं बताया ना वर्षा मासी, वर्षा मासी तुझे पता है कि मैं वर्षा से कितनी नफरत करती हूँ, पर मैं उसी की बातें करती हूँ। मेरे लिए मर चुकी है पूर्वी, मेरे लिए मर, अगर वो मर चुकी है तो फिर ये कौन है आई? तो मेरा सोम भी जिंदा होगा, मेरा सोम जिंदा होगा, वो ठीक होगा।